हमारे हक अधिकार के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे, लेकिन कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं साला। याद हमें किसी ने पूछा कि आप कौन हो, हमने जवाब नहीं दिया तो वे हमें वनवासी के नाम से पुकारने लगे, वे हमें ना जाने और क्या क्या नाम से पुकारने लगे। साहब हम चुप थे, इसका मतलब आप हमें किसी भी नाम से पुकारेंगे? तो सुनो साहब, ना तो हम वनवासी है, ना तो जो कुछ आप कह रहे हैं ना वो है, हम इस देश के मूल निवासी है, इस देश के मालिक है। हाँ हम आदिवासी है साहब। आदिवासी नाम सुन के थोड़ा अजीब सा फील हो रहा होगा साहब। आदिवासी नाम सुन के उड़ने वाले पंछी समझे क्या? अब जंगल के शेर है भगवान बिरसा मुंडा, वीर बाबूराव शर्मा के तंटिया भील क्रांति सूर्य श्यामा दादा, रानी दुर्गावती, रानी जलकारी बाई, इन आदिवासी वीरों ने जल जंगल जमीन अधिकार के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हुए। हमारे वनक कानून के प्रवर्तक देवाजी तोपाजी का बुलंद नारा है, मावा नाटे मावा सरकार, आमच्या गावात आम्ही सरकार, दिल्ली मुंबई आमचा सरकार। साहब ये हम यूं ही नहीं कहते, भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है। भारतीय संविधान की धारा 244 में पांचवी अनुसूची का प्रबंध है, और ये पांचवी अनुसूची आदिवासियों के लिए सिर्फ पांचवी अनुसूची नहीं है। ये जो पांचवी अनुसूची है ना, ये पांचवी अनुसूची आदिवासियों को हक अधिकार दिलाने वाली, उनके अस्तित्व को रखने वाली, आदिवासियों की माँ है, और इसी माँ की गोद से पैसा कानून पैदा हुआ है जो पूरे भारत में 10 राज्य में लागू है। साहब बात समझ में आ रही है? उस जमाने में जब अंग्रेजी राज थी, जमींदारों की दलाली थी, उस वक्त हमारे इन आदिवासी वीरों ने हाथ में तलवार धनुष बाण लेकर लड़े थे। आज हमारे हाथ में बाबा साहब का दिया हुआ वो कलम है, आज हमारे हाथ में बाबा साहब का वो संविधान है, वो संविधान हाथ में लेके हमारे हक अधिकार के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे, लेकिन कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं साला। याद रखना, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें झुकना नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है। हाँ ये सिर झुकेगा, जरूर झुकेगा, बॉर्डर पर तैनात उन वीर जवानों के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए, और भारत के तमाम उन वीरों के लिए। लेकिन ये चापलूसी करने वाले, ये नेतागिरी करने वाले, आपस में लड़वाने वाले, झूठे वायदे करने वाले, इन नेताओं के सामने नहीं,